माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया है। मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। और आज इस आदरणीय सदन में उन तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ, जो आज इस महान सदन में अपने अपने क्षेत्रों से जीत के आए हैं। माननीय सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अयोध्या में है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर है, जिस सीट के लिए 54 फैजाबाद के लिए देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। और आज मान्यवर, आज जब चुनाव हो गया है, जब वहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में चर्चा है। मान्यवर, मैं देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूँ। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना और देखा। मान्यवर, ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत की राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहाँ से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंबित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है। मान्यवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों में गया था अयोध्या में, वहाँ की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है। और जहाँ पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का, जो अयोध्या के नाम है, उसका उद्घाटन किया था, 150 से ज़्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मान्यवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के ना जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। अब कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप 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 करके जाएंगे। और यही नहीं मान्यवर, मैं और आगे बढ़ा तो वहाँ पर जलायन एक अयोध्या का प्रभु श्री राम के मंदिर के पास का है, जलायन मोहल्ला पानी भरा है, और इतना पानी भरा है, और मान्यवर गरीबों का मोहल्ला है, कमजोरों का मोहल्ला है, दलितों का मोहल्ला है, और पानी भरा है। और सुना है उसके निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है, लेकिन पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया है, किस पे खर्च हो रहा है, गरीबों का मुआवजा नहीं दिया। और मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ पर एरोड्रम बना है, लेकिन एरोड्रम बनने में
गरीबों को, किसानों को पैसा नहीं दिया गया। और अफसोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सर्कुलेट बनता है, सर्कुलेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्कुलेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों के जमीनों के लिए सर्कुलेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया। हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए, लेकिन हम कह के आए हिमानवर कि हम मुआवजा दिलाएंगे, हमारे नेता ने कहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मानवर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। और निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी धन्यवाद। वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है, गरीबों के घर को ढहाया गया। अनुराग सिंह।